नमस्कार मित्रों, जय सियाराम। मित्रों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 6 अक्टूबर 2018 से करीब 40 दिनों के लिए शुक्र तुला राशि में वक्री हो रहे हैं। पिछले वीडियो में मैं आपको शुक्र के वक्रत्व का फल बता चुका हूं, जो कि मेष राशि से कन्या राशि तक था। इस वीडियो में आपको तुला राशि से मीन राशि तक का फल बताऊँगा। उससे पहले आप सभी मित्रों से मेरा विनम्र निवेदन है कि यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी स्पर्श कर लें, ताकि मेरा हर वीडियो आप तक निर्बाध रूप से पहुंचता रहे। जो वीडियो आपको अच्छे लगें उन्हें लाइक और शेयर भी करें, कमेंट करके या फ़ोन के माध्यम से फीडबैक भी दें। धन्यवाद। तो मित्रों, अब मैं तुला राशि से मीन राशि तक वक्री शुक्र के प्रभावों को बताने जा रहा हूँ। तुला राशि वालों का समय शुक्र के वक्रत्व काल में कुछ कम अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रहेंगी। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें। खान पान और दैनिक दिनचर्या सही रखें। कार्य को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन करने की भी ज़रूरत नहीं है, न हड़बड़ी दिखाएँ और न ही ज़्यादा तनाव लें। वक्रत्व के 40 दिन धर्म कर्म अध्यात्म और मेडिटेशन में लगाएं। भावावेश में ना आएं, सोच विचार कर निर्णय लें। कोई नया काम भी शुरू ना करें। वाहन इत्यादि में सावधानी रखें। कोई नए प्रेम संबंध बन सकते हैं। अविवाहित लोगों के विवाह के योग बनेंगे। भोग विलास पर और अपने आचरण पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। अति से बचें। कार्यों में मन नहीं लगेगा, विघ्न आएंगे, लेकिन सभी समस्याओं का निस्तारण भी हो जाएगा। वृश्चिक राशि। इस राशि के लोगों के लिए शुक्र 12वें भाव में बकरी हो रहे हैं। थोड़ी सावधानी व धैर्य बनाए रखें। खर्चों की अधिकता रहेगी। अनावश्यक खर्चे पर नियंत्रण रखें। अस्पताल के चक्कर भी लग सकते हैं या फिर कहीं लंबी यात्रा पर भी जा सकते हैं। धन निवेश में सावधानी की ज़रूरत है। दांपत्य जीवन के लिहाज से अच्छे संकेत नहीं दिखते। विवाद व टकराव की स्थिति से बचें। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहें। धन लाभ की स्थिति भी बनती है। धनुराशि। इस राशि के लिए समय ठीक रहेगा। नौकरी रोजगार आदि में लाभ की स्थिति बनेगी। नौकरी पेशा वाले लोग प्रमोशन पा सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। आर्थिक उन्नति के लिए अनुकूल समय रहेगा। आय के स्रोत बढ़ेंगे। बेरोजगारों को नया कार्य मिलेगा। कहीं से लोन लेने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास सार्थक रहेंगे। प्रेम संबंधों के लिए भी ये बेहतर समय है। अविवाहित लोगों के विवाह की संभावना प्रबल होगी। मकर राशि। इस राशि के लिए स्थिति अच्छी रहेगी। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। नए संबंध बनेंगे। पुराने संबंध और भी प्रगाढ़ होंगे। कार्य क्षेत्र ठीक रहेगा, लेकिन इसमें बदलाव की न सोचें। अपने अधिकारियों से अच्छे रिश्ते रखें, वरना दिक्कत आ सकती है। भाग्य वृद्धि होगी। कुछ अप्रत्याशित कार्य बनेंगे। रचनात्मक, कलात्मक और मनोरंजन के क्षेत्रों में स्थिति अच्छी रहेगी। बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए भी वक्त अच्छा रहेगा। बस स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा ध्यान रखिएगा। कहीं से अचानक धन की प्राप्ति के योग हैं। डूबा हुआ धन भी वापस मिल सकता है। दांपत्य जीवन में तनातनी संभव है। भावनात्मक तनाव भी रहेगा। भाग्य वृद्धि, मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति और नाम और सम्मान मिलेगा। यह समय धर्म और अध्यात्म के प्रति आस्था भी बढ़ाने वाला होगा। कहीं दूर की यात्रा भी संभव है। विदेश यात्रा के भी चांस बनेंगे। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए समय मिश्रित रहेगा। कहीं दूर दराज की यात्रा के अवसर मिलेंगे। अचानक या गुप्त धन की प्राप्ति के योग हैं। नए प्रेम संबंध बनेंगे। प्रेम संबंध मजबूत भी होंगे, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखें। उलझने व पारिवारिक समस्याएँ रहेंगी। व्यर्थ की मानसिक चिंताओं से बचें। यह समय धर्म व अध्यात्म से जुड़ने का है। बहुत ज़्यादा तनाव हानि पहुंचा सकता है। बीमा धन और पिछला डूबा हुआ धन मिलने
के लिए ये समय अनुकूल है, इसलिए प्रयास करें। तो मित्रों, इस तरह मैंने तुला राशि से लेकर मीन राशि तक का शुक्र के वक्रत्व का फलादेश किया है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक जय सियाराम, नमस्कार।